हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा यानी कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार प्रथम पेपर यानी कि फर्स्ट पेपर के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपना एक मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपना इसमें दूसरा मॉडल पेपर है। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में 75 प्रश्न शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो आप अवश्य दें। और अगर आपने पिछला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछला मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, 20वीं सदी के आरंभ में उग्र राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण थे। बताइए, 20वीं सदी के आरंभ में उग्र राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण है वो कौन कौन से थे, कूट भाषा में अपने को उत्तर बताना है। देखिए, शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, रेलवे का विकास। तो दोस्तों, इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, रेलवे का विकास है वो 20वीं सदी के आरंभ में उग्र राष्ट्रवाद के विकास का प्रमुख कारण नहीं था, बाकी शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, इसी के साथ में ब्रिटिश शासन के सही चरित्र का पहचान, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का प्रचार हुआ था, ठीक है, और प्रतिष्ठित नेतृत्व भी था इसका प्रमुख कारण, लेकिन रेलवे का विकास नहीं था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, जिसमें एक और दो दे रखा है, केवल एक और दो, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किनकी समस्याओं के समाधान से संबंधित था? बताइए दोस्तों, ये चंपारण सत्याग्रह है ये 1917 में हुआ था और ये बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। दोस्तों, ये जो सत्याग्रह, ये किनकी समस्याओं से संबंधित था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, नील की खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय निहले बहुत अधिक अत्याचार करते थे। दोस्तों, उसके लिए यह सत्याग्रह किया गया था, यानी कि बिहार के नील उत्पादक किसानों के लिए यह सत्याग्रह किया गया था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तीन नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, दो कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। देखिए, इसमें सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल को बल देने के लिए आमरण अनशन किया, बिल्कुल सही बात है साहब, किया। आगे देखिए, रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी तटस्थ रहे। बताइए दोस्तों, मैं आप बताऊं आपको, फरवरी 1919 में एक सत्याग्रह सभा बनाई गई जिसके सदस्यों ने इस कानून का पालन न करने और गिरफ्तारी और जेल जाने का सामना करने की शपथ ली थी, ठीक है, रोलेट एक्ट का भी विरोध किया था गांधी जी ने। यहां पे तटस्थ रहे ये गलत दे रखा है दोस्तों, गांधी जी ने भी विरोध किया था रोलेट एक्ट का, तो यहां पर दूसरा कथन गलत है। और इसमें दोस्तों बताना था कौन सा कथन सत्य है, तो केवल पहला कथन सत्य है, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, चार नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले भारतीय थे दोस्तों इसमें कौन? तो दोस्तों, मानवेंद्र नाथ राय ये पहले भारतीय थे दोस्तों, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, पांच नंबर का प्रश्न है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना दोस्तों जोनाथन डंकन ने वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 1971 में। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें सिक्स नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति यानी कि सॉरी 1857 ईस्वी में राजस्थान में ब्रिटिश सेना की कितनी सैनिक छावनियां थी? दोस्तों, 6 सैनिक छावनियां थी, कितनी थी? 6। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कौन कौन सी थी? नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, ब्यावर, ये 6 सैनिक छावनियां थी दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। सात नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे?
दोस्तों साधु सीताराम दास ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों 1897 में प्रारंभ हुआ था और समाप्त 1941 में हुआ था, यानी कि 44 वर्षों तक ये जो कृषक आंदोलन किसान आंदोलन यानी कि चला था। ठीक है दोस्तों, 1897 से लेके 1916 तक साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व किया था बिजोलिया किसान आंदोलन का, और 1916 से 1923 तक विजय सिंह पथिक ने किया था, और 1923 से 1941 तक जो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो माणिक्यलाल वर्मा, हरिबाबू उपाध्याय, जमनालाल बजाज और रामनारायण चौधरी ने किया था। ठीक है, तो यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 9 नंबर का प्रश्न है, चौधरी हनुमान सिंह किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? चौधरी हनुमान सिंह किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दूधवा खारा किसान आंदोलन से संबंधित थे चौधरी हनुमान सिंह। दोस्तों ये दूधवा खारा है, ये चूरू में पड़ता था। ठीक है, और ये दूधवा खारा का जमींदार सूरजमल सिंह बीकानेर राज्य सरकार का क्या था? सचिव था। उसके अत्याचारों की राज्य सरकार सुनवाई नहीं करती थी, और बीकानेर राज्य प्रजा परिषद ने भी दूधवा खारा के जागीरदार के अत्याचारों को उजागर किया था। किसानों के पक्ष में दोस्तों आवाज करने पर जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये चौधरी हनुमान सिंह है। ठीक है, ये दूधवा किसान खारा किसान आंदोलन से संबंधित थे, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ के द्वितीय शाक्य 1534 ईस्वी में राजपूतों का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों राजपूतों का नेतृत्व किया था किसने? जयमल फत्ता ने। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जयमल फत्ता ने। आगे देखिए, इसमें मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो वो कौन था, कौन सा था? तो वो था दोस्तों तक्षशिला। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, गुप्त काल में दोस्तों नालंदा और मौर्य काल में तक्षशिला, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था? निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सुश्रुत। तो यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुश्रुत। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है। बौद्ध हिंदू और जैन शैलकृत गुहाएं यानी कि गुफाएं एक साथ कहां विद्यमान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एलोरा में, एलोरा में ये विद्यमान है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिमी उत्तर में स्थित है। ठीक है, यहां पर 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इन गुफाओं में दोस्तों गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध और 13 से 29 तक हिंदू और 30 से 34 तक जैनियों से संबंधित है। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? सही अनुक्रम कौन सा है वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता देता हूं, शंकराचार्य सबसे पहले आएगा इसमें। शंकराचार्य, शंकराचार्य का काल था दोस्तों 788 से 820 तक, 788 से लेके 820 तक इनका काल माना जाता है। ठीक है, ईस्वी। और रामानुज का कार्यकाल माना जाता है दोस्तों 1017 से 1137 ईस्वी तक माना जाता है रामानुज का कार्यकाल। ठीक है, यानी कि काल। और उसके बाद में आता है दोस्तों चैतन्य, और चैतन्य का जो काल है वो माना जाता है दोस्तों 1486 से लेके 1536 तक। ठीक है, तो यहां पर है, इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, 15 नंबर का प्रश्न है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबरी महल है, ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1592 में एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ किया था, जो 8 वर्षों में बनकर तैयार हुआ।
यहां पर इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अकबरी महल है, यह फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें प्रश्न संख्या 16 से 20 तक अपने को यह चार्ट को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2010 में कितने कोयले का उत्पादन हुआ, वर्ष 2010 में कितने कोयले का उत्पादन हुआ। दोस्तों यहां पर देखिए 2010 में ये 40 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है 40, यानी कि 40 लाख टन का, दोस्तों ये देखिए लाख में है, ये 40 लाख टन का उत्पादन हुआ था 2010 में, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित वर्षों में किन दो वर्षों में उच्चतम उत्पादन कोयले का उत्पादन एक समान था, यानी कि दोस्तों कौन से दो वर्षों में जो कोयले का उत्पादन है वो एक समान था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए उच्चतम पूछा है यानी कि सर्वाधिक, ये देखिए 60 इसमें भी है और ये 60 इसमें भी है, 60 2014 में भी है और 2011 में भी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2011 और 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वर्ष 2011 कुल उत्पादन वर्ष 2008 के कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। दोस्तों 2011 में जो उत्पादन था वो था दोस्तों 60, ठीक है, और 2008 में कितना था तो वो था दोस्तों 20, तो सीधा सा हो जाएगा इसमें 60 माइनस 20 बटे 20। तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, तो 60 में से 20 गए तो कितने बचे 40, तो 40 बटे 20 इंटू 100 कर लीजिए, सीधा सा आपके पास में राइट आंसर आ जाएगा कितना दोस्तों 200% अधिक है उत्पादन हुआ है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 19 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष कोयले के उत्पादन में अपने पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में उत्पादन हास का प्रतिशत अधिकतम था। दोस्तों यहां पर देखिए हास का प्रतिशत अधिकतम है वो किस में था, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए 2012 के अंदर 20 है, ठीक है, और 2013 के अंदर देखिए इसमें 40 है और 2014 के अंदर कितना है 60 है। तो दोस्तों ये देखिए बिल्कुल डाउन हो रहा है 2012 में, तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा 2012, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यहां पर देखिए पूर्ववर्ती 2011 के अंदर आप देख सकते हैं 60 है और 60 से 20 आया है, सबसे कम हो रहा है ना, ठीक है, 40 का डाउन आ रहा है, तो यहां पर 2011 में 60 और 2012 में 20 है, तो सर्वाधिक हास हुआ है, तो 2012 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए वर्ष 2006 से 2014 तक अधिकतम एवं न्यूनतम कोयला उत्पादन का अंतर कितने लाख टन था। वर्ष 2006 से 2014 तक अधिकतम एवं न्यूनतम कोयला उत्पादन का अंतर कितने लाख टन था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर देखिए 2014 की बात कर रहा हूं, तो दोस्तों 2014 में कितना है 60 है, ठीक है, वो 2006 में कितना है 10 है, ठीक है, तो 60 में से 10 गए तो कितने बचे 50, तो यानी कि 50 लाख टन था तो इस अंतर, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, यदि एक कूट भाषा में PREMA यानी कि प्रेमा को दोस्तों यहाँ पे 96-73-1 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रामा को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों ये जो प्रेमा है, प्रेमा के अंदर से ही रामा जो शब्द है वो बनाया गया है, तो देखिए PR का कोड क्या है दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे 6 दे रखा है, R का कोड क्या दे रखा है 6 दे रखा है, प्रेमा के अंदर देखिए E का कोड क्या है 7 और A का कोड क्या है, A का कोड 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। M कितने नंबर पर है, M का कोड क्या है 4th नंबर पर M है, तो M का कोड दोस्तों 3 है, तो यहाँ पे 3 और A का कोड क्या है 1, यानी कि 61-31 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें 22 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि रिपब्लिक को कूट भाषा में दोस्तों CRIELPUB लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कलकत्ता को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों ये देखिए सीधा सा मैं आपको यहाँ पे बोलूँ, तो देखिए ये जो रिपब्लिक है इसको नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है, नंबर दे दीजिए। अब इसको दोस्तों जो ये CRIELP यूं भी लिखा गया है, इसी को ही उल्टा यानी कि रिपब्लिक के अक्षरों को ही उल्टा पुल्टा करके ये बनाया गया है, ठीक है। और उसी प्रकार दोस्तों यहां पर देखिए जो रिपब्लिक के अंदर सबसे लास्ट वाला अक्षर क्या है, सी, और इसमें सी है वो प्रथम अक्षर पर आ गया है, ठीक। उसी प्रकार यहां पे देखिए जो ए है लास्ट में आपको दिख रहा होगा कलकत्ता में ए, तो ए है वो सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद में देखिए जो आर है वो पहले नंबर पर है, ठीक है, रिपब्लिक के अंदर, और ये आ जाता है दूसरे नंबर पर। ठीक उसी प्रकार जो ये सी है कलकत्ता के अंदर, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तो दोस्तों ये सी आ गया दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पे ए सी से अपना जो भी आंसर शुरू हो रहा होगा वही अपना राइट आंसर होगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, 39 छात्रों की कक्षा में नीलम सोनी से आगे सातवें रैंक पर है, 39 छात्रों की कक्षा में नीलम सोनी से सातवें रैंक पर है, यदि सोनी का रैंक अंतिम से 17वां हो तो नीलम का आरंभ से रैंक क्या है, वो अपने को यहां पर बताना है। ट्रिक के माध्यम से अगर अपन देखें तो दोस्तों 39 माइनस, दोस्तों यहां पे देखिए सोनी से सातवें रैंक पर है और सोनी का रैंक अंतिम से 17वां है, तो दोस्तों यहां पर 17 प्लस 7 कर दीजिए और प्लस 1 करना है, तो दोस्तों यहां पे राइट आंसर आपके पास में निकल कर आ जाएगा। 17 और 7 कितने होते हैं, तो दोस्तों 17 और 7 कितने होते हैं, तो दोस्तों 24, तो 39 में से 24 गए तो कितने बचे, तो दोस्तों 39 में से 24 गए तो कितने बचे, तो दोस्तों ये बचे अपने पास में 9 और 6 15 प्लस 1 16, 16 राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों अपने पास में। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आरंभ से उसका रैंक था 16वां, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी पंक्ति में कुनेर का स्थान बाएं से 13वां तथा भूपेश का स्थान दाएं से 18वां है, ठीक है, यदि दोनों के बीच 15 छात्र हैं तो बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तीनों को प्लस कर दीजिए, राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे 13 प्लस 15 प्लस 18, तो दोस्तों जोड़ दीजिए, 13 और 15 कितने होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 15 और 3 18 और 10 कितने होते हैं, 28, 28 और 18 कितने होते हैं, वही अपना राइट आंसर हो जाएगा 46, तो यहाँ पे अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 25 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 9 से 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लगभग विपरीत होगी, 9 से 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, तो दोस्तों आप दिमाग लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर घड़ी बना लीजिए, घड़ी बना लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके यहाँ पे, ठीक है, तो ये 9 और ये दोस्तों 3। अब यहाँ पर देखिए 9 और 10 बजे के बीच में, 9 और 10 बजे के बीच में आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऐसे बनेगी दोस्तों ये, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो ये लगभग दोस्तों ये जो क्रम रहेगा ये रहेगा दोस्तों अपने पास में इसमें 9:16 का, 9:16। अगर अपन ट्रिक देखें तो दोस्तों ट्रिक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, तो दोस्तों ट्रिक होती है 60/11 बजे माइनस 6, ये ट्रिक है दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 9:00 अब यहाँ पर 60/11 यहाँ पर देखिए 9 माइनस 6, यहाँ पे बजे की जगह अपन ने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया, तो 9 माइनस 6 तो कितना बचा, 3, ठीक है, तो सीधा सा है। अब अपने को क्या करना है, देखिए 60 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 180, तो यहाँ पर 9 बजे यानी कि 180/11 कर लेना, 180/11 करोगे तो दोस्तों 180 में 11 का भाग दोगे तो दोस्तों 16 सही 4/11 आ जाएगा, और 9:00 तो अपने पास सही, तो दोस्तों 16 यानी कि 9:16
और अगर आगे भी पूछे तो दोस्तों 4/11 मिनट कर लेना। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। 180 में 11 आपका भाग दो दोगे तो आपका सीधा मिनट निकल कर आ जाएगा। आगे देखिए इसमें, मेरी घड़ी में इस समय 3 बजे हैं, यदि यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। यानी कि मेरी घड़ी में 3 बजे हैं, ये 12 और ये 3, तो दोस्तों ये 3 बजे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यदि घंटे की सुई पूर्व दिशा में है तो दोस्तों मिनट की सुई है वो कौन सी दिशा में होगी, सीधी सी हो जाएगी, उत्तर दिशा में होगी। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर दिशा में। आगे देखिए इसमें 27 नंबर का प्रश्न है, देखिए यदि किसी मास की यानी कि किसी महीने की 8 तारीख रविवार के दिन, सॉरी रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, ठीक है, यानी कि 8 तारीख है वो दोस्तों रविवार, सोम, मंगल, बुधवार को पड़ती है, दोस्तों 8 तारीख है वो बुधवार को पड़ती है, ठीक है, तो उस मास की 17 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों देखिए, अगर 8 तारीख को बुधवार है तो अगला बुधवार कितनी तारीख को आएगा, तो अगला बुधवार 15 तारीख को आएगा, ठीक है, जब 15 तारीख को बुधवार है तो 16 तारीख का क्या होगा, गुरुवार, और 17 तारीख का क्या होगा, शुक्रवार। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 28 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, 5 प्रश्न है वो दोस्तों हिंदी से संबंधित पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न ही इंग्लिश से संबंधित पूछे जाएंगे परीक्षा में, ठीक है। देखिए इसमें किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, तो दोस्तों यहां पर देखिए नीरस, नीरस में दोस्तों प्रत्यय नहीं है, तो यहां पर अपना इसमें देखिए जटिल में इल है, वैराग्य और चेहरा तीनों के अंदर है वो प्रत्यय है, लेकिन नीरस के अंदर प्रत्यय नहीं है, यहां पर उपसर्ग है, तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है वो अपने को बताना है। देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए फर्स्ट मॉडल पेपर यानी कि फर्स्ट पेपर के लिए सेकेंड मॉडल पेपर है वो मैं आपको करवा रहा हूं, अगर आपने पिछला मॉडल पेपर नहीं देखा तो वो जरूर देखें, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है ये, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। यहां पर देखिए शुद्ध शब्द कौन सा है तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यहां पे शुद्ध शब्द है देखिए प्रकुपित, प्रकुपित है ये शुद्ध शब्द है, यहां पर दंपति के अंदर दोस्तों मात्रा है वो ती के अंदर बड़ी आएगी, ठीक है, और ये जो प्रज्वलित है ये डबल ज नहीं आएगा इसमें, सिर्फ एक ही ज आएगा इसमें, प्रज्वलित के अंदर आधा ज ही आएगा, पूरा ज नहीं आएगा इसमें, ठीक है, और निर्लोभी के अंदर दोस्तों निर्लोभी नहीं होता, निर्लोभ होता है, यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अव्ययी भाव समास कौन सा नहीं है, यानी कि किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है, तो यहां पे देखिए रातों रात, सेवार्थ और याव जजीवन, इन तीनों के अंदर दोस्तों अव्ययी भाव समास है, लेकिन यहां पे प्रतिक्रिया के अंदर अव्ययी भाव समास है वो नहीं है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए शुद्ध वाक्य कौन सा है वो अपने को यहां पर बताना है, शुद्ध वाक्य कौन सा है वो अपने को यहां पर क्या करना है बताना है। दोस्तों यहां पर देखिए, तुम वापस लौट जाओ, बच्चों को धोकर फल खिलाओ, दवा रोग को समूल से नष्ट करती है, कुछ छात्र कमरे में घुस गए हैं, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें, इसमें शुद्ध वाक्य है दोस्तों कुछ छात्र कमरे में घुस गए हैं, तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सम बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स, सम बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है काइट्स वर बींग फ्लोन बाई सम बॉयज, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें देखिए मदर हैज कुक्ड बाई कुक्ड द डिनर, मदर हैज कुक्ड द डिनर, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों द डिनर हैज बीन कुक्ड बाई मदर, द डिनर हैज बीन कुक्ड बाई मदर, तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए खालिस्तान भरना है दोस्तों, यहां पे देखिए इट इज टाइम समथिंग, इट इज टाइम समथिंग, तो दोस्तों इसमें देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट इज टाइम समथिंग, तो इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों टू डू, टू डू आएगा इसमें, क्या आएगा टू डू, इट इज टाइम टू डू समथिंग, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, माई फ्रेंड सा कोमल हिज पेन, खालिस्तान में क्या आएगा, इसमें आएगा दोस्तों स्टील, स्टील, माई फ्रेंड सा कोमल स्टील हिज पेन, तो इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 36 नंबर का प्रश्न है, यहां पर देखिए दोस्तों सामान्यतया
शरीर का प्रकुंचन दाब कितना होता है? सामान्यतः शरीर का प्रकुंचन दाब कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होता है दोस्तों 120 nm। तो यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें वेग में परिवर्तन की दर है, तो दोस्तों वेग में परिवर्तन की दर क्या है? तो वो है दोस्तों त्वरण। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, त्वरण। नेक्स्ट आगे देखिए, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर जड़त्व निर्भर करता है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वस्तु का संवेग निर्भर करता है, वस्तु का संवेग निर्भर करता है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के विस्थापन पर, वस्तु में लगे समय पर, वस्तु का संवेग निर्भर करता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान की में किस जिले में बांका पट्टी स्थित है? बांका पट्टी है वो दोस्तों कहां पर स्थित है? बांका पट्टी मतलब कुब्बड़ पट्टी, ये अजमेर और नागौर में स्थित है दोस्तों। यहां पे अजमेर ऑप्शन में नहीं दे रखा, नागौर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है? ये दोस्तों तबीजी अजमेर में स्थित है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तबीजी अजमेर। आगे देखिए, वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है, दोस्तों वे खनिज कौन कौन से हैं जिनका राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है? तो वो है दोस्तों देखिए यहाँ पे जास्पर, तांबड़ा, सीसा, जस्ता, वोलेस्टोनाइट, इन खनिजों का दोस्तों राजस्थान में एकाधिकार है, तो यहाँ पे इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 43 नंबर का प्रश्न है, चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? तो दोस्तों ये झुंझुनू जिले में कार्यरत है। कहां पर कार्यरत है? झुंझुनू जिले में ये कार्यरत है, याद रखना, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्वतंत्रता पश्चात पहले आम चुनाव कब संपन्न हुए? स्वतंत्रता पश्चात पहले आम चुनाव कब संपन्न हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 1951-52 में, 1951-52 में दोस्तों स्वतंत्रता पश्चात पहले आम चुनाव है वो संपन्न हुए थे, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, चुनाव आयोग निर्वाचन में किस अधिनियम के प्रावधानों को आधार मानता है? चुनाव आयोग निर्वाचन में किस अधिनियम के प्रावधानों को आधार मानता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव कब होते हैं? राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव कब होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा, हर 2 वर्ष में होते हैं दोस्तों, 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? निर्वाचित हो जाते हैं, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रिटायर हो जाते हैं 1/3 सदस्य, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ है वो दोस्तों जोधपुर में स्थित है, यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, खंडपीठ जयपुर में है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 50 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन सी राजकीय संस्थाएं हैं वो अपने को यहाँ पर कूट भाषा में उत्तर देना है। दोस्तों देखिए, राजकीय संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है, तो देखिए प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय ये राजकीय संस्था है, पंचायत राज निर्देशालय ये भी राजकीय संस्था है, इसके अलावा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, ये राजकीय संस्था नहीं है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, ये तीनों यानी कि ये चार है ये क्या है, ये राजकीय संस्थान है, तो यहाँ पर ABEF इसका राइट आंसर हो जाएगा, ABEF इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 51 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान शिक्षा सलाहकार मंडल की स्थापना कब की गई? दोस्तों राजस्थान शिक्षा सलाहकार मंडल की स्थापना 1951 में की गई, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1951 में की गई। आगे देखिए, राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड कहाँ स्थित है? राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि शिक्षाकर्मी
बोर्ड शिक्षा संकुल जयपुर में स्थित है। आगे देखिए, इसमें 53 नंबर का प्रश्न है, सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा किसने दी? सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा किसने दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हेनरी फियोल ने। हेनरी फियोल ने दी थी दोस्तों, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रबंधन का हृदय किसे कहते हैं? दोस्तों प्रबंधन का हृदय किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अभिप्रेरणा को। अभिप्रेरणा को दोस्तों प्रबंधन का हृदय कहा जाता है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उत्तम प्रकार का पुस्तकालय उत्तम विद्यालय की पहचान है, उपयुक्त कथन किसका है? उत्तम प्रकार का पुस्तकालय उत्तम विद्यालय की पहचान है, उपयुक्त कथन किसका है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पिट्समैन का कथन है ये। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पिट्समैन का क्या है? कथन है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें 56 नंबर का प्रश्न है, किस अनुच्छेद में जाति धर्म भाषा आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति को शिक्षा संस्था में प्रवेश नहीं लेने यानी कि प्रवेश लेने से नहीं रोके जाने का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में जाति धर्म भाषा आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति को शिक्षा संस्था में प्रवेश लेने से नहीं रोके जाने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 45 में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 45 में राज्य के सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तथा प्रारंभिक बचपन की देखभाल के लिए और शिक्षा देने के लिए उपबंध प्रावधान यानी कि उपबंध का प्रावधान किया गया है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आरटीई की नियमावली में कितनी धाराएं व अध्याय है बताइए। राजस्थान सरकार द्वारा जारी आरटीई की नियमावली में कितनी धारा व अध्याय है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें 10 अध्याय और 29 धाराएं हैं। 10 अध्याय और 29 धाराएं हैं। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 58 नंबर का प्रश्न है, 25% बालकों की फीस का पुनर्भरण समुचित सरकार करेगी। ठीक है, सरकार करेगी, ठीक है। 25% बालकों की फीस का पुनर्भरण समुचित सरकार करेगी, इसका उल्लेख आरटीई 2009 की किस धारा में है? तो आरटीई की धारा 2009 की किस धारा में है इसका उल्लेख? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धारा 12 में। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 12 में। आगे देखिए, भारत में सैनिक स्कूलों का विचार है सर्वप्रथम किसने दिया था? भारत में सैनिक स्कूलों का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वी के कृष्णा मेनन ने विचार दिया था दोस्तों। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये उस समय तत्कालीन रक्षा मंत्री थे। आगे देखिए, 60 नंबर का प्रश्न है, सैनिक स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के आरक्षण को सुमेलित कीजिए। सैनिक स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के आरक्षण को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं बताऊं, 67% दोस्तों 67% जो आरक्षण है ये दोस्तों किसको दिया गया है? ये राज्य के मूल निवासियों के बच्चों के लिए है 67%। 33% है दोस्तों, 33% है ये सीटें सभी राज्यों के बच्चों के लिए है। 33% सीटें हैं ये सभी राज्यों के बच्चों के लिए है। और 25% है, 25% है रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए आरक्षित है। रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 25% आरक्षित है। 15% है, 15% दोस्तों अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है 15%। और 7.5% है ये दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ठीक है। और ये अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%, ठीक है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें 3, 4, 5, 2, 1, 3, 4, 5, 2, 1। तो यहां पर दोस्तों यहां पर 3, 4, 5, 2, 1 कर लेना, ठीक है, 3, 4, 5, 2, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें आरक्षण निम्न प्रकार से दिया जाता है, आरक्षण निम्न प्रकार से दिया जाता है ये अपने को यहां पर बताना है, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें ये यहां पे मैंने बताया अभी 67%
सीटें राज्य के मूल निवासियों के लिए, 33% सीटें राज्य के बच्चों के लिए, 25% रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए, 15% अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है और 7.5 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक कहलाते हैं, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक कहलाते हैं जहां जहां दोस्तों ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत साक्षरता से 46.13% से कम हो। बिल्कुल सही है, साक्षरता जेंडर गैप राष्ट्रीय औसत से 21.59% से अधिक है। बिल्कुल सही है, राजस्थान के 31 जिलों में 186 EBBS हैं। बिल्कुल सही है, देश के 27 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली में दोस्तों इसमें 3479 EBBS है। तो दोस्तों इसमें सारे कथन क्या है वो इसमें बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है सभी कथन सही है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, रमसा के बारे में गलत कथन को छांटना है, रमसा के बारे में गलत कथन को अपने को यहाँ पर क्या करना है, छांटना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा मैं आपको बताऊं, देखिए 5 किमी के दायरे में माध्यमिक स्कूलों, बिल्कुल सही है, 7 से 10 किलोमीटर के दायरे में उच्च माध्यमिक स्कूलों, बिल्कुल सही है, 2021 तक सार्वभौमिक प्रतिधारणा सुनिश्चित, यह गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए 17 से 20 किलोमीटर तक है माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिक सुलभता, यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है, इसमें गलत कथन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का। दोस्तों देखिए रमसा के उद्देश्यों में मैं बात करूं तो 2017 तक माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिक को यानी कि सार्वजनिकरण को प्राप्त करने का लक्ष्य किया गया था और 2020 तक माध्यमिक शिक्षा में 100% ठहराव सुनिश्चित करवाने का लक्ष्य रखा गया था। यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गलत दे रखा है 2021। आगे देखिए, राजस्थान में समस्त विद्यालय अब किस एक पोर्टल पर होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें साला दर्पण पर, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, साला दर्पण पर, ठीक है। आगे देखिए, एकलव्य व मीरा पुरस्कार में राज्य स्तर पर अब कितनी राशि दी जाएगी। दोस्तों एकलव्य और मीरा पुरस्कार में राज्य स्तर पर अब कितनी राशि दी जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21,000 रुपए की राशि दी जाएगी। दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों राज्य स्तर पर इसमें 21,000 रुपए की राशि है वो दी जाएगी, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें वो हो जाएगा दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें देखिए, भारत में हाल ही में किस वायुसेना के विमानों में यानी कि विमान में स्वदेशी बायोजेट इंजन का के प्रयोग की मंजूरी दे दी गई है। बताइए भारत में हाल ही में किस वायुसेना के विमान में स्वदेशी बायोजेट ईंधन के प्रयोग की मंजूरी दे दी है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें AN-32। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 66 नंबर का प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने किस लड़ाकू विमान से देश में निर्मित 500 किग्रा वजन की श्रेणी के गाइडेड बम का सफल परीक्षण किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सुखोई से किया है दोस्तों ये, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर सुखोई से। आगे देखिए इसमें 67 नंबर प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर स्थित जहांगीर महल को हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ओरछा, ठीक है। भारत में ओरछा में स्थित जहांगीर महल को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ओरछा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों व्लादिमीर जेंकेलेस्की, तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2019 द्वारा जारी मिड ईयर अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की विकास दर का अनुमान क्या लगाया गया था, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकास दर का अनुमान लगाया गया था दोस्तों 7.1%।
यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, हाल ही में अमेरिका ने भारत और किस देश को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से बाहर कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें स्विट्जरलैंड। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, आगे देखिए, नवनिर्मित सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्रियों में कितनी महिला मंत्रियों को शामिल किया है? तो दोस्तों 3 मंत्रियों को शामिल किया है इसमें, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 3 है, कौन कौन सी? तो निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी और हरसिमरत कौर बादल। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जल बोर्ड द्वारा जल संग्रहालय की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है? तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों दिल्ली। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दिल्ली। आगे देखिए, नवनिर्मित कैबिनेट में डॉक्टर एस जयशंकर को निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो विदेश मंत्रालय दिया गया है दोस्तों एस जयशंकर प्रसाद को। आगे देखिए दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों हैदराबाद में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय नौसेना का अग्रणी मिसाइल विध्वंसक INS रंजीत कितने साल तक सेवा देने के बाद 6 मई 2019 को सेवामुक्त हो गया है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 36 साल इन्होंने क्या किया, यानी कि INS रंजीत ने सेवाएं दी थी। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें दूसरा नंबर का मॉडल पेपर है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने पिछला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट अवश्य दें। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो जरूर आपके पास में मिलता रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।